हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने एडमिशन की प्रीवियस वीडियो में केसेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। आइए हम लोग एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम लोगों ने दो केसेस में बांट दिया है। पहला केस कहता है हम लोगों का एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि हम लोग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे। दूसरा केस कहता है हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि हम लोग न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे। इसमें और इसमें एक पहचान ये है कि इस सेकंड केस में हम लोगों को नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं दी होगी। हम लोग तुरंत देख के समझ जाएंगे कि ये सेकंड केस है। अब हम लोग सेकंड केस को फर्दर तीन पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट कहता है न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है प्रपोर्शनेट शेयर लेके आ रहा है रिमेनिंग या ओल्ड पार्टनर्स के। दूसरा केस कह रहा है न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है वो प्रपोर्शनेट या स्पेसिफिक शेयर लेके आ रहा है फर्म के या सारे पार्टनर्स के, क्योंकि अब फॉर्म में सारे पार्टनर्स हो जाएंगे। थर्ड केस कह रहा है न्यू पार्टनर जो स्पेसिफिक या प्रोपोर्शनेट शेयर लेके आ रहा है वो फॉर्म का या सारे पार्टनर्स का, और जैसे कि ये सेकंड में कहा था, और इसके साथ सारे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जा रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आज हम लोग फर्स्ट केस पढ़ेंगे। आइए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, उनकी बैलेंस शीट गिवन बिलो है। Z को एडमिट किया जाता है 1/4 शेयर के लिए जो कि 40,000 कैपिटल का पैसा लेके आता है और 15,000 गुडविल का पैसा लेके आता है। आधी गुडविल रिमेनिंग पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है करेंट वैल्यू, और पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में 8,000 थी। नई वाली वैल्यू पे एक्स टेक ओवर कर लेता है इन्वेस्टमेंट को टाइपराइटर पे, और फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन 20% और 10% है। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है आपका 1,000। लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, जो कि हम लोग केस कर रहे हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, जहां पर सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट आते हैं, सारी इनकम और गेन्स क्रेडिट आती है। क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, तो इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। सी पॉइंट कहता है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, पहले इन्वेस्टमेंट थी 8,000, आज हो गई 10,000, यानी कि 2,000 का फायदा हुआ, तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। सेकेंड केस कहता है आपका टाइपराइटर डेप्रिशिएट हो रहा है 20% से, तो टू डेप्रिशिएशन ऑन टाइपराइटर जो कि हो गया 1,000। नेक्स्ट कह रहा है फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट किया जाता है 10% से, तो टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स आ जाएगा 13,700। लास्ट केस कह रहा है इसमें ई पॉइंट अनरिकॉर्डेड स्टॉक जो कि है 1,000, जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में नहीं दिया है, तो हमारा ये फायदा हो गया बाय अनरिकॉर्डेड स्टॉक, हमारा ये फायदा हो गया जो कि आएगा 1,000। लास्ट वाला एडजस्टमेंट का है तो यहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखिए जो बड़ी साइड है उसका टोटल दोनों तरफ रहेगा, फिर छोटी साइड उसे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो बड़ी साइड हमारी आ रही है डेबिट वाली, तो डेबिट का टोटल दोनों तरफ, डेबिट का टोटल है आपका 14,700, तो 14,700 इधर भी आ जाएगा, 3,000 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11,700। अब इस 11,700 को हम लोग
2:1 में बांट देंगे, तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, तो इन लोगों में 2:1 में बढ़ जाएगा 7800 और 3900, इनका टोटल करेंगे तो 11700 आएगा। चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लायबिलिटी साइड में हम लोग देखेंगे कैपिटल दी हुई है 75,000 और 62,000। कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा दोनों का बाय बैलेंस सीडी। एक्स का आएगा आपका 75,000, वाई का आएगा 62,000, Z अभी नहीं आया तो Z का नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। सेकेंड बात करते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो इनकी कैपिटल बढ़े आएगी तो क्रेडिट साइड पे आएगा, लॉस होगा तो इनकी कैपिटल घटे आएगी डेबिट साइड पे आएगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट हो गया रिवैल्यूएशन लॉस जो कि है 7800 एक्स का, वाई का है 3900, जेड अभी नहीं आया। तो पहली चीज ओपनिंग बैलेंस हो गया, दूसरी चीज रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा। थर्ड चीज जो आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है कि राइट ऑफ वाली चीजें होंगी। तो राइट ऑफ वाली चीजें कौन कौन सी होती है ध्यान रखें, अगर बैलेंस शीट में आपकी पुरानी बैलेंस शीट में राइट ऑफ वाली चीजें दी हैं, जैसे लायबिलिटी में आपका WCR दिया है, जनरल रिजर्व दिया है और PL दिया है क्रेडिट वाला जो कि प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसी तरीके से एसेट साइड में आप लोगों को कुछ चीजें दी हुई हैं जैसे कि प्रिलिमरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, पीएल, डेबिट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है ये, या फिक्टिटियस एसेट्स कह लीजिए, गुडविल, ये सारी चीजें अगर बैलेंस शीट में आपको दी हुई है तो राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर इनको राइट ऑफ करेंगे तो ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो राइट ऑफ करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, तो WCR अकाउंट डेबिट, और जनरल रिजर्व हो जाएगा, और अगर PL की बात करें तो PL हो जाएगा। अपोजिट में ओल्ड पार्टनर X और Y, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इनको राइट ऑफ करेंगे। इसी तरीके से अगर एसेट साइड की बात करें, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, ये फिक्टिटियस लॉसेस है, फिक्टिटियस एसेट्स है, तो इनको हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो इनका बैलेंस डेबिट है तो हो जाएगा क्रेडिट। टू प्रिलिमरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, गुडविल, और डेबिट में कर देंगे एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। फिलहाल हम लोग अगर इधर देखें हमारे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व को हम लोग राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है हम लोगों का क्रेडिट, तो इसको राइट ऑफ करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, तो हम लोग इसको बांट देंगे जो कि क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 18,000, 12,000 और 6,000, 2:1 में बढ़ गया है। तो ये एक तरीके से जनरल रिजर्व बटा है तो इनकी कैपिटल बढ़ आएगी बाय जनरल रिजर्व 12,000 एंड 6,000। तो फर्स्ट चीज हमारी ओपनिंग बैलेंस होगी, सेकेंड चीज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, थर्ड चीज राइट ऑफ वाली चीज होगी। इनको हम शॉर्टकट से भी समझ सकते हैं, अगर लायबिलिटी वाली चीज में कोई राइट ऑफ वाली चीजें करनी है तो हम लोग जिगजैग मारेंगे, तो ये आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा और एसेट्स वाली चीज डेबिट साइड में चली जाएगी। अब बात करते हैं जो वो पैसा लेके आया है।
अब हम लोग इनकी जनरल एंट्री देखते हैं, जो वो पैसा लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जेड लेके आया है 40,000 फॉर कैपिटल, 15,000 लेके आया है वो प्रीमियम का पैसा, तो टोटल लेके आया 55,000। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 निकलेगा क्योंकि न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, तो ये बटेगा 10,000 5,000। अब क्वेश्चन में कहा था इन लोगों ने एक्स और वाई ने अपना पैसा गुडविल का निकाल लिया है, आधा आधा पैसा निकाल लिया है, तो इसने निकाला 5,000 और इसने निकाला 2,500, तो टोटल पैसा जो निकाला है 7,500। तो अब हम इस एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। इस फर्स्ट एंट्री में कैपिटल वर्ड कहां पर है, क्रेडिट में, तो जेड के क्रेडिट में जाएंगे और बाय कैश लिखेंगे, लेकिन अमाउंट हमेशा जेड वाला लिखेंगे, तो बाय कैश एक्स में डैश वाई में डैश 40,000। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री में कैपिटल वर्ड क्रेडिट में है, तो एक्स और वाई के क्रेडिट में जाएंगे, बाय अपोजिट वाला लिखेंगे प्रीमियम, एक्स में लिखेंगे 10,000 वाई में लिखेंगे 5,000 डैश। नेक्स्ट बात करते हैं, इस एंट्री में हम लोगों का कैपिटल वर्ड डेबिट में है, तो एक्स और वाई के डेबिट में जाएंगे और टू कैश लिखेंगे, टू कैश 5,000 और 2,500। लास्ट केस में आप लोगों को कह रहा है कि एक्स ने 10,000 पे इन्वेस्टमेंट ले ली है, तो इन्वेस्टमेंट ले ली है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, टू इन्वेस्टमेंट, जेड ने ली है 10,000 पे तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला ना होता तो हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल दोनों तरफ करते, डेबिट साइड छोटी है तो माइनस करते, टू बैलेंस सीडी हो जाता, तो यहीं पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल फिनिश हो जाता। लेकिन यहां पर हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं होगा क्योंकि यहां पर हम लोगों को न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो हम लोग बैलेंस सीडी अभी नहीं करेंगे। अगर एडजस्टमेंट ना होता तो हम लोग सीधा सीधा बैलेंस सीडी कर देते। तो हम लोग जो बैलेंस सीडी निकालते हैं उसको हम लोग वर्किंग नोट में निकालेंगे क्योंकि कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है। वर्किंग नोट देखिए, क्रेडिट माइनस डेबिट सेम प्रोसेस है, एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल, एक्स का टोटल करेंगे तो हम लोगों का आएगा 97,000 और डेबिट का टोटल करेंगे तो आएगा 22,800। इसी तरीके से वाई का हम लोग क्रेडिट का टोटल करेंगे तो आएगा 73,000 और वाई का डेबिट वाला टोटल करेंगे तो आएगा 64,000। तो इन दोनों को माइनस करिए तो आएगा 74,200 और ये माइनस करेंगे 66,600। तो आपका ये आ गया वर्किंग नोट जो कि टू बैलेंस सीडी में हम लोग इस तरीके से करते थे। अब बहुत सिंपल सा तरीका है, हम लोग जेड के बेसिस पे रिमेनिंग टू पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करेंगे, यही हमारा केस कह रहा है। तो लेट द प्रॉफिट बी वन, वन में से जेड का हिस्सा जो कि है 1/4 हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा 3/4। अब एनपीएसआर रेशियो निकालेंगे तो एक्स की बात करें 3/4 पूरा नहीं मिलेगा, 3/4 का उसका हिस्सा जो 2:1 था वो मिलेगा 2/3, तो 6/12। वाई की बात करें 3/4 का उसका हिस्सा मिलेगा जो कि है 1/3, तो 3/12। और Z की बात करें 1/4 के लिए आया था, तो कुछ ऐसा करिए जो डिनोमिनेटर बाहर आ जाए, ऊपर नीचे 3 से इंटू कर दें तो 3/12। तो इन लोगों का रेशियो जो निकल के आया है वो आया 6
2:3:3 या यूं कहें हम काट पीट के तो 2:1:1 तो इन लोगों का रेशियो 6:3:3 या 2:1:1 हुआ। अब इस 2:1:1 में हम लोग फर्म की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि एनपीएसआर रेशियो है। तो अभी हम फर्म की कैपिटल निकाल लें जेड के बेसिस पे, तो जेड कैपिटल जो दी हुई है वो है 1/4 शेयर की 40,000, कैपिटल ऑफ द फर्म 40,000 तो हम लोगों की कैपिटल Z के बेसिस पे आ गई है 40,000 इंटू 4/1 रेसिप्रोकल कर देंगे 1,60,000। इस 1,60,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1:1 में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन एनपीएसआर। X की बात करें 1,60,000 का 2/4, Y की बात करें 1,60,000 का 1/4, Z की बात करें 1,60,000 का 1/4। तो ये हो गया आपका 40,000, ये हो गया 80,000। तो टोटल अगर हम करेंगे तो 1,60,000 आनी चाहिए। आइए हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुड बी माइनस एक्चुअल, इसका फॉर्मूला होता है। यानी शुड बी वो कैपिटल है जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करी थी एनपीएसआर में 80,000, 40,000 और 40,000। एक्चुअल कैपिटल जो हम लोगों की क्रेडिट माइनस डेबिट करके आई थी, जैसे कि 74,200 इसकी आई थी और वाई की आई थी 66,600, अगर प्लस में आ रहा है यानी कि हमारे पास होनी चाहिए 80,000, है हमारी 74,200 यानी कि वो पैसा लेके आएगा, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये पैसा लेके जाएगा। होनी चाहिए 40,000 लेकिन एक्चुअल में जो हमारी कैपिटल है वो ज्यादा है तो ये विड्रॉ करेगा। सीधी सी बात, पैसा लेके आता ही है तो इधर आएगा बाय कैश, कभी कभार क्रेडिट अकाउंट में भी खुलवा सकता है, अगर क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे नहीं तो कैश लिखेंगे। तो यहां पर हम लोगों का एक्स कैपिटल लेके आया 5,800, इधर डैश इधर डैश, और यहां पर वाई पैसा लेके गया क्योंकि उसकी एक्सेस थी टू कैश, ये कितना लेके गया है 26,600। अब यहां पर हम लोग टू बैलेंस सीडी शुड बी वाली कैपिटल रखेंगे। शुड बी वाली कैपिटल हमारी आई थी 80,40,40, 80,000 इसकी, 40,000 इसकी और 40,000 इसकी। अब हम लोग सीधे सीधे क्रेडिट और डेबिट का टोटल कर देंगे, अगर क्रेडिट और डेबिट दोनों मिला के बराबर आ रहे हैं तो हम लोगों का सही है नहीं तो गलत है। तो अगर हम लोग एक्स का क्रेडिट टोटल करेंगे तो आएगा हमारा ये 102,800। इसी तरीके से इसका भी टोटल आएगा 102,800, अगर आ रहा है तो ठीक है नहीं तो गलत है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से वाई का टोटल करेंगे तो 73,000 आएगा और यहां पर भी आएगा टोटल 73,000, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो गलत है। इसी तरीके से जेड का टोटल करो 40,000 इधर भी आएगा, 40,000 इधर भी आएगा। अब जल्दी से हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट में हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस है कैश का, कैश हमारा होता है एसेट्स, तो एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है 5,000। अब पैसा क्या क्या लेके आया था, एक कैश ये लेके आया था कैपिटल का 40,000, कैपिटल का 40,000 और प्रीमियम का पैसा लेके आया था जो कि आपको एंट्री में शो नहीं है, तो ध्यान रखिएगा प्रीमियम का जरूर लिखिएगा, तो प्रीमियम लेके आया था वो 15,000। अब इन लोगों ने कैश क्या क्या निकाला है, एक कैश इन लोगों ने निकाला है 5,000 का, तो बाय एक्स ने निकाला 5,000, बाय वाई ने निकाला है 2,500। अब यहां पर एक और जब एक्सेस वाला कैपिटल जो थी वो निकाली गई है, बाय एक्स ने एक्सेस कैपिटल निकाली है 26,600। इसी तरीके से ये लेके आया है
एक्सेस वाला जो इसकी शॉर्टेज आ रही थी 5800 टू एक्स 5800 पैसा लेके आया है। बड़ी दोनों साइड का टोटल कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे, बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा आप लोगों का। तो अगर हम लोग डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 65800, तो दोनों तरफ लिख देंगे 65800। क्रेडिट माइनस करेंगे तो हम लोगों का आएगा 31700 जो कि हमारा है बैलेंस कैश का। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश का तुरंत उतार दें, 31700 उतार दें। सन्डरी डेटर्स की बात करें 15000 है। स्टॉक हम लोगों का बढ़ गया था 1000 से तो 11000 हो गया। टाइपराइटर में डेप्रिसिएशन लग गया था तो 4000 हो गया। फिक्स एसेट्स में भी डेप्रिसिएशन लगा था तो माइनस करके 1, 2, 3, 300 हो गया। अब सन्डरी क्रेडिटर की बात करें तो 25000 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कैपिटल नई वाली कैपिटल एक्स की, वाई की, जेड की, तो एक्स की थी हमारी 80000, 40000 इसकी है और 40000 इसकी है, तो टोटल हो गई 1,60,000। तो अगर हम लोग इसका जोड़ देंगे तो 1,85,000 ये आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग यहां पर एसेट्स को भी जोड़ेंगे 1,85,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।